गुलाम यादव के इन बच्चों की बात, तो ये कुछ ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, ये दुनिया के लिए बड़ा होगा, ये मोमिन मलिक के लिए कोई घना बड़ा मामला नहीं है, चुटकियों का खेल है ये। लेकिन अभी देखते रहो कि इस केस में हुआ क्या। आप देखना 5 लगेंगे या 4 लगेंगे, 5 साल की तो कैद कराऊंगा इसको मैं। पहले 10 AP सिंह अपने साथ और ले आए तो उनका सबका स्वागत, आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक खातून इलीगल तरीके से पहली दफा अपने, मतलब ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ पहले कि 4 बच्चों को साथ लेके आई, ढाल बना के ले आई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। देखिए जब इंसान बेवफा होता है ना, चाहे कोई भी हो, जब उसके सर चढ़ के बेवफाई बोलती है ना, वो जरूरी नहीं कि कोई लेडी हो, वो जेंट्स भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, साथ काम करने वाला भी हो सकता है, साथी वकील भी हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है, कोई पुलिस वाला भी हो सकता है। बेवफाई बड़ी खतरनाक चीज है। जब इंसान बेवफाई पर निकलता है ना, उसके ना अच्छों का पता होता, ना बुरों का पता होता, ना अपनों का पता होता, ना पराये का पता होता, ना सगों का पता होता, ना दूर के लोगों का, रिश्तेदारों का, उसको कुछ नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता उसको, ना उसको अपने बच्चे दिखेंगे, ना उसकी अपनी खानदान की इज्जत दिखेगी, ना अपने शोहर की इज्जत दिखेगी, ना अपनी बहनों का, माँ का, बाप का, पड़ोसियों का, खुद का कुछ नहीं दिखेगा उसको, बस वही नजर आएगा। तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ये अगर ये बहुत जल्दी आपके सामने देखना क्या होने वाला है, देखना। बिल्कुल बिल्कुल, कानूनी रूप से ही, सिर्फ कानूनी रूप से, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हमें सिर्फ कानून के सहारे से देखना क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम भी चाहते हैं कि लीगल तरीके से ये हो। और आप जब से आए हैं, हमें इतना पता नहीं था, लेकिन जब आपका नाम सामने आया और हम लोगों ने देखा यूट्यूब के ऊपर, गूगल, तो आपके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, तो हमें अब मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि नो माय डियर, ये कारनामे मेरे नहीं है। इज्जत मंतशा व जिल्लत मंतशा, इंसान की इज्जत, इंसान की को ऊपर उठाना, उसको इज्जत देना, उसको दलील करना या उसके लिए फैसले करना, ये तो कहीं और से ही होते हैं, ये इंसान के हाथ में नहीं है कि वो जो ना कोई इज्जत हासिल कर ले या कोई किसी, सारी दुनिया मिलकर किसी को बेइज्जती करना चाहे तो नहीं हो सकती, जब तक कोई और ना चाहे तो, और सारी दुनिया मिलकर किसी इंसान को इज्जत देना चाहे तो इज्जत नहीं दी जा सकती। वो कुदरत ऐसी कुदरत है कि इज्जत के नक्शों में रह के दलील कर दे, और वो कुदरत ऐसी कुदरत है कि वो जिल्लत के नक्शे में रह के इज्जत दे दे। तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये तो पता नहीं किस मजलूम की दुआ लगी हुई है, जिसका मैंने साथ दिया हो, जिसका कुछ मेरे हाथ से भला हो गया हो। और मजलूम की दुआ कभी ऊपर वाला रद्द नहीं करता, कभी भी रद्द नहीं करता। ऐसी ऐसी बात कानूनी लड़ाई के दौरान ऐसी ऐसी बात जहन में आती है, ऐसी ऐसा जहन ऊपर वाला खोल देता है, मैं खुद समझता हूं कई बार कि यार ये बात कहां से मेरे दिमाग में आई, ये कैसे हो गया। तो जब आप अच्छे की तरफ कदम बढ़ाओगे तो आपकी कुदरती मदद भी होगी, अच्छे लोगों का साथ भी मिलेगा, बशर्ते कि आपकी नीयत अच्छी हो। कोई भी आप काम करो, काम करने से पहले आप अपनी नीयत को देखो कि आपकी नीयत क्या है इस काम के अंदर। अगर आपकी नीयत अपने पर्सनल मफाद की नीयत है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपकी नीयत पर्सनल कोई नीयत नहीं है और दूसरों को फायदा पहुंचाने की नीयत है तो आप देखिए फिर उसके अंदर क्या होता है। तो सर मोहम्मद अली साहब, इस केस के ऊपर पहले से ही आपकी नजर थी, हिमा हैदर केस, ये जो मामला चल रहा था, तो आप पहले से स्टडी कर रहे थे या अंसार बनी साहब की तरफ से आपको ये बोला गया? मतलब ये कुछ केस ही नहीं है मेरे पास, तो सारे यहाँ पर मर्डर ट्रायल है, बलात्कार के केस। अभी पिछले 12/2023 को मैंने 2 लोगों को फांसी के ऑर्डर कराया, 5 साल मुकदमा लड़ा, उसके 2 बच्चे थे उस पेरेंट्स के, एक लड़की को उठा करके गैंगरेप करके मर्डर कर दिया गया था, उसका भाई गवाह था, एक उसी केस में उसका एक भाई गवाह था उस लड़की का,
उसके भाई का भी कत्ल कर दिया गया। तो उन लोगों को मैंने जहां पर वो रहते थे वहां जान का खतरा था वहां से उठा करके उनको मैंने पानीपत बसवाया, उनकी उनकी सुरक्षा कराई, उनको सुरक्षा दिलाई और 5 साल तक फ्री ऑफ टेस्ट मैंने उनके केस लड़ा। सर ये जो हरियाणा में ये हरियाणा में वाकया पेश आया निर्भया केस से मिलता जुलता, ये हरियाणा में निर्भया कांड था बिल्कुल, और 54 गवाहों की गवाही कराई, 176-174 पेशियां लगी, 5 जजेस बदले गए और 4 बार मैंने फाइनल आर्गुमेंट करी लेकिन कोई जज फैसला नहीं दे सका, आखिरकार उसमें फांसी के ऑर्डर हुए। तो ये जो सीमा अदर का मामला कुछ भी नहीं है, कुछ भी मामला नहीं है ये, लेकिन सोचने वालों के लिए होगा, मेरे लिए तो मैं समझता नहीं मेरे लिए कुछ मामला है। सर आप आए अब हौसला बड़ा है, तसल्ली हो रही है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये आपका चुटकियों का काम है, ये हो जाएगा बाएं हाथ का खेल है, लेकिन कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि ये डिले हो सकता है, ये मामला लटक सकता है 5 साल के लिए 7 साल के लिए, तो ऐसे कैसे हो सकता है सर? वेट एंड वॉच, आप देखना 5 लगेंगे या 4 लगेंगे, 5 साल की तो कैद कराऊंगा इसको मैं पहले। एपी सिंह साहब को नहीं, एपी सिंह तो बॉर्डर क्रॉस करके आए नहीं है, बॉर्डर क्रॉस करके तो सीमा ही है ना। नहीं तो एपी सिंह साहब भी तो आएंगे ना आपके मैदान में, उन्होंने तो अपनी हिकमत अमली बनाई होगी, आ जाए एपी सिंह साहब, वेलकम स्वागत है, क्या दिक्कत क्या है, तो दिक्कत क्या है एक चले बड़ी मेरे लिए क्या कोई हवा कोई है, बिल्कुल देखिए जब से एपी सिंह अपने साथ ऐसे ही 10 एपी सिंह और लिया है, मेरे को जो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं ना। लेकिन सर वो सर अपने साथ 10 एपी सिंह अपने साथ और ले आए तो उनका सबका स्वागत आ जाओ, लेकिन आपके मुकाबले में तो निकलेंगे, रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, जैसा कि वो मीडिया के सामने आते हैं किस तरीके से बेबुनियाद बेतुकी बातें करते हैं, तो उनकी तरफ से कुछ इस तरह की खबरें आई हैं कि केस को आगे। जी देखिए जब हाइड्रा जेसीबी मशीन चलती है ना, जेसीबी मशीन समझते हैं क्या होती है, जेसीबी मशीन जो जिसमें पंजा लगा होता है उठाती है, वो क्रेन मशीन चलती है ना। जी क्रेन मशीन, जी हाँ जेसीबी क्रैक हाइड्रा जो मशीन होती है वो चलती है ना, जब वो चलती है जितना भी रास्ते में लकड़ पत्थर और वो जितना भी मिट्टी धूल गड्ढे वड्ढे वो सब का सफाया करती हुई चलती है, ठीक है ना। तो ये मोमिन मलिक जो है वो लीगल जेसीबी मशीन है। तो सर एक सवाल मैं आपके देश में आपके हिंदुस्तान में कानून क्या कहता है कि एक खातून अगर उसका पहला मियां उसने तलाक ना दी हो वो शादी कर सकती है? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि ये वो आज भी गुलाम हैदर की वाइफ है, लीगल वाइफ है, और इस मामले में देखना आप, मैं कह रहा हूं ना एक दिन रुको तो सही, देख तो क्या होने वाला है, रुको तो थोड़ा सबर तो करो, एक्साइटेड तो हो थोड़ा सा, एक दिन का वेट करो देखो तो सही। कोई माइकल लाल अगर इसको ये कह दे कि ये सचिन मीना की घरवाली है तो मेरे को बता देना, अखबार भी नहीं बोल सकते, चैनल वाले भी नहीं बोल सकते, एक दिन का वेट करो बतावा। मुतमईन क्यों नजर आते हैं, सेटिस्फाइड क्यों नजर आते हैं वो लोग, वो ऐसी खाता जी। अरे भाई मेरे जितना उनको नॉलेज है वो उस हिसाब से आराम से बैठे, जितना हमें नॉलेज है हमें हम वैसे सेटिस्फाइड है, उनको जितनी जिनकी जिनकी वो उनको समझ है वो अपनी समझ के अनुसार बैठे हैं, हमें अपना पता है अल्लाह ने कितनी समझ दी है, परवरदिगार ने उस गॉड ने परमात्मा ने।